हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल नेचुरल होम ब्यूटी अनुपमा में। फ्रेंड्स, अगर हमारी एज 30 के ऊपर हो जाती है तो स्किन केयर करना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर हम स्किन केयर करते रहते हैं तो हमारे चेहरे पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है, आपका चेहरा बहुत ही ज़्यादा स्पॉटलेस ग्लोइंग दिखेगा अगर आप स्किन केयर करोगे तो। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग को बताने वाली हूँ कि एलोवेरा में अगर आप दो चीज़ मिक्स कर यूज करते हैं तो आपके चेहरे के फाइन लाइंस आपको रिमूव होते हुए दिखेंगे। अगर आपके चेहरे पर फाइन लाइंस की समस्या नहीं है तो भी आप इसे यूज कर सकते हो। आपकी स्किन काफ़ी ज़्यादा टाइट लगेगी, आपका स्किन टोन निखरेगा, आपका चेहरा बहुत ही ग्लोइंग दिखेगा अगर आप इस रेमेडी को ट्राई करेंगे। और इसे आप नाइट में ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स, आप नाइट में लगाइएगा और सो जाइएगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको एलोवेरा चाहिए होगा, जैसे कि ये एलोवेरा से ही बना हुआ है। तो एलोवेरा जो होता है फ्रेंड्स, हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। ये हमारी स्किन को हाइड्रेट करता है, स्किन को डीपली मॉइस्चराइज करता है, स्किन के फाइन लाइंस को रिमूव करता है, स्किन के डार्क स्पॉट को भी रिमूव करता है। आपके चेहरे पर कैसे भी दाग धब्बे हैं, अगर आप इसे कंटिन्यू यूज़ करते हो तो आपके चेहरे के दाग धब्बे आपको लाइट होते हुए दिखेंगे। और यहाँ पर हमने 1 टीस्पून यूज़ किया है हनी। हनी तो आप लोग जानते हैं कि एंटीबैक्टीरियल एंटीसेप्टिक का काम करता है, आपके चेहरे पर किल मुहासे आने से रोकेगा। और यहाँ पर 1/2 टीस्पून मैं यूज़ की हूँ फ्रेंड्स शक्कर चीनी, जो कि हमारी स्किन को टाइट करने में बहुत ही हेल्प करता है, हमारी स्किन को एक्सफोलिएट करता है। और इस पैक को आपको बनाकर आपको कुछ देर के लिए रखना होगा ताकि जो शक्कर आपने यूज़ किया है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए, बिल्कुल भी खड़ा नहीं होना चाहिए। अगर हो सके तो आप जो है इसे पीस कर भी ले सकते हैं, लेकिन ये जो खड़ी शक्कर अगर आप डालेंगे तो आप कुछ देर के लिए ऐसे ही रहने दीजिएगा, बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाए। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गया, एक भी दाना इसमें नहीं रहना चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि इससे करना है मसाज। और अगर शक्कर खड़ी रहेगी तो आप मसाज करोगे तो आपकी स्किन के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। और मसाज थोड़ा आप हाथों को प्रेस करते हुए कीजिएगा, और कम से कम आप इस पैक को, इस मसाज को आप 5 से 10 मिनट कीजिए अगर आपके पास टाइम है। अगर टाइम नहीं है ज़्यादा तो आप 5 मिनट तो ज़रूर कीजिए, और इसे नाइट में आप कीजिएगा फ्रेंड्स। और ये मैं वीडियो भी नाइट में ही शूट कर रही हूँ, ये बहुत ही अच्छा है और मैं अक्सर इसे अप्लाई करती हूँ फ्रेंड्स नाइट में। और इसे लगाकर आपको सो जाना है, आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा टाइट फील होगी, आपके चेहरे पर ग्लो आएगा। आपको मसाज करने से आपके चेहरे का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा, जिससे नेचुरली ग्लो आपके चेहरे पर आएगा, आपका चेहरा स्पॉटलेस दिखेगा। अगर आप इसे कंटिन्यू यूज़ करते हैं तो आपके चेहरे के डार्क स्पॉट वगैरह भी आपको लाइट होते हुए दिखेंगे। ये जो 3 इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं फ्रेंड्स, ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है हमारी स्किन के लिए, 100% नेचुरल है और सेफ़ है, इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो आप प्रत्येक जितने भी चेहरे के स्टेप होते हैं सब कुछ आपको ऐसे मसाज करना होगा, और सभी स्टेप को आपको कम से कम 5 बार तो करना ही है। और इस तरह आप 5 मिनट टाइम दे दीजिए, आपके चेहरे पर एब्जॉर्ब हो जाएगा, ये बिल्कुल पता भी नहीं चलेगा। और इसे अगर आपको ऐसा लगता है कि चिपचिपा जैसा, क्योंकि ये थोड़ा सा चिपचिपा लगेगा क्योंकि इसमें शक्कर और शहद है, तो आप चेहरे को वॉश भी कर सकते हैं। अगर नहीं करते हैं तो इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा इमेजिंग होने वाला है, अगर आप वॉश कर लेंगे तो भी आपको रिजल्ट मिलेगा। लेकिन हाँ, इसे कम से कम आधा घंटा तो लगा ही रहने दीजिएगा, आधे घंटे बाद अपना चेहरा वॉश कीजिएगा अगर आपको वॉश करना है। और ये जो आप स्टेप देख रहे हैं, जो चिक के पास ऐसे इसे ले जाते हुए प्रेस करना है, इससे क्या होता है आपके चेहरे पर ग्लो आने के लिए, ये टिप्स, ये मसाज बहुत ही अच्छा होता है, आप लोग इसे ट्राई कीजिएगा। कभी भी किसी भी प्रोडक्ट से अगर आप मसाज करते हो तो आप इस तरह अगर मसाज करते हो उंगलियों को प्रेस करते हुए, तो आपके चेहरे के लिए बहुत ही अच्छा होता है, इससे आपकी स्किन भी टाइट होगी। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। अगर फर्स्ट बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। किसी भी टॉपिक पर अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप लोग बताइएगा, और कमेंट बॉक्स में मैं आप लोग का रिप्लाई ज़रूर करूँगी फ्रेंड्स। और इससे रिलेटेड अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो बिल्कुल पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगी फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग को ये रेमेडी पसंद आई है तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसे बनाकर आप 1 वीक रख भी सकते हो, आप फ्रिज में स्टोर कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।